मजे लेने के कोई आइसक्रीम नहीं है, फिर चॉकलेट नहीं है। आमदार और जितेंद्र अवार्ड के सामने लड़ूंगा। अरे अभी नईम खान साहब अपना कुछ भी बोल सकता है बगले पे बैठ के। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चुनाव आते ही अब हर नेता अपने चुनावी क्षेत्र के दौरे पर चल पड़े हैं। अब हर कोई वोटरों को लुभाने में लगा है। कोई मजार पर चादर चढ़ा रहा है तो कोई दीवार का मुद्दा लेकर सामने आ रहा है। कल पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंब्रा का दौरा किया। इसी दौरान लोगों में हलचल मची थी कि एकनाथ शिंदे को कुछ लोग काले झंडे दिखाने वाले हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नईम खान शिवसेना में शामिल होने वाले हैं या फिर शिवसेना को सपोर्ट करने वाले हैं। ये कल अफवाहों की लहर थी या फिर इसमें कुछ और भी सच्चाई थी? हमारे वीडियो में आप सुनेंगे नईम खान ने क्या कहा है। लेकिन जिस वक्त पुलिस को सूचना मिली कि मंत्री एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाने वाले हैं, तो इन्हीं मामलों को लेकर मुंब्रा पुलिस सतर्क हुई और अपने पुलिस कर्मियों को लेकर एसीपी रमेश धुमाल दरगाह रोड पर पहुंचे। कड़ी बंदोबस्त के बीच ख्वाजा फखरुद्दीन शाह की दरगाह पर मंत्री ने चादर भी चढ़ाई। इसी दौरान दरगाह गेट के पास बने दीवार जो तोड़ दी गई है उसका विवाद भी चल रहा था। पालक मंत्री ने इसका भी जायजा लिया। इस दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। मैं बहुत श्रद्धा से आया हूँ और दरगाह पे चादर चढ़ाया हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ ऐसे जैसे मुस्लिम समाज के बहुत से लोग रहते हैं वहाँ दरगाह पे जाता हूँ। अवश्य हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की ओर से इस मुंब्रा कौसा का पूरा विकास हो जाए। यहाँ मुंब्रा कौसा में म्यूनसिपाल्टी के कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने मुंब्रा को अलग नज़र से नहीं देखा है। ये मुंब्रा वासी कौसा वासी जो हमारे लोग हैं, हमारे सब इनके साथ भाईचारे के रिश्ते हैं। नईम भाई तो पहले मेयर रह चुके हैं, हमारे सब लोग यहाँ अच्छे हैं। मैं देख लेता हूँ जहाँ देखो किसी भी तरह से कोई भी हरकत जो लोगों को नुकसान कर सकती है ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कमिश्नर जी को कहूँगा और यहाँ जो भी है कोई अधिकारी गलत तरीके से काम करता होगा उसकी दखल ली जाएगी और निश्चित रूप से यहाँ लोगों को क्या चाहिए वो दिया जाएगा। जमीयतुल मुस्लिम के अध्यक्ष नईम खान ने दीवार तोड़े जाने को लेकर काफी नाराज हैं। नईम खान ने कहा है कि बिना नोटिस दिए दीवार तोड़ दी गई है, अगर दीवार बनाकर नहीं दी गई तो कोर्ट का रुख करेंगे। मगर वहीं राजनीति से ताल्लुक रखने वाले नईम खान ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर किस पार्टी का समर्थन रहेगा, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस दौरान नईम खान ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, दीवार तोड़ी गई है, उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी थी जैसे पुराने फोटोग्राफ से ये है वो, और मैंने उनको बताया कि दीवार 50 साल पुरानी थी और जो लोगों ने आज आपको अर्जी दे रहे हैं वो मुश्किल से 10, 12, 15 साल पहले के सरकारी जगह पर बिल्डिंगें बनी है, उन्होंने खरीदी हुई है और एकदम से अचानक जो दीवार तोड़ने का एक इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उन्हें तोड़ना था तो हम सबको कॉन्फिडेंस में लेके तोड़ना, उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, कोई नोटिस दिया नहीं, कोई ने हमारा गेट उठा के ले गए, सब कुछ हो गया। अभी गेट का फोटो दिखाया मैंने पालक मंत्री ने कहा कि मेरे को इसकी कॉपी दो, तो गेट लगा था ये हमको भी नहीं मालूम, लोखंड का गेट, वो बड़ा गेट नहीं। उन्होंने तो एकदम इंटरव्यू में एक दे दिया कि नहीं बुलंद दरवाजे को हमने हाथ नहीं लगाया, मगर जो गेट था उसको अपने जमात की प्रॉपर्टी तोड़ दी, अच्छी बात नहीं है। आपको अगर डेवलपमेंट करना था तो राय मशवरा करके करते तो ज़्यादा बेटर है। खान साहब किसने तोड़ा है उस गेट को, जो है उस बाउंड्री को? शानू भाई के कहने से। अच्छा, और वो उन्होंने गोस्वामी को बोला है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कर तोड़ दो, उन्होंने तोड़ा। यानी शानू की शिकायत पर जो है थाने महानगर पालिका ने कार्रवाई की, महानगर पालिका और शानू ने खोटा पब्लिक को इन्वॉल्व कर औरतों को उतार दिया, ये होता है हमारे सब समझ में आता है। ऐसा औरतें कहाँ उतरी? बिल्डिंग की औरतों को उतार दिया था, कहीं हमको रास्ता छोटा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। तो जब मकान गेट बाउंड्री थी, जब आपको बिल्डिंग में सोच के मकान लेना था,
खान साहब क्या आश्वासन दिए एकनाथ शिंदे साहब, जो पूरे जो है माहौल को देखा उन्होंने, वहाँ पे मुआयना किया, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि देखिए मंत्री है, पालक मंत्री है, जानकारी लेंगे सब जगह से, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, इसमें इंक्वायरी बिठाएंगे कैसे क्यों हो रहा है, एक आदमी मनमानी कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, अच्छी बात नहीं। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से दीवारी तोड़ी गई है तो क्या उसी तरह से फिर उसे बनाकर दी बना के देंगे? नहीं बनाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कानून के दरवाजे खुले देखते, यानी आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार? हम दोनों रास्ते, हम पहले तो हमने क्या है कि कल कोर्ट अगर हमको पूछेगी कि आप सरकार के कहने गए थे तो दे दिया, हमने उनको ब्लैक एंड व्हाइट में दिया, लिखित में दिया, और हर चीज़ को वक्त लगता है, ये तो ऐसा थोड़ी नहीं इनकी तरह का कल से ही हम बाउंड्री बनाने चलू। खान साहब चुनाव का माहौल चल रहा है 2019 का, और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो पालक मंत्री है वो यहाँ पर आए, आपके इधर दौरा किया, आपके बंगले पर आए, तो ऐसे में जो है अभी लोग जो है वो कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग कह रहे हैं कि खान साहब इस वक्त जो है शिवसेना को जो है समर्थन कर रहे हैं, वो दीवार तो एक बहाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो भी कह रहा है वो नहाय झूठा इंसान, क्योंकि हमको हमारे मुमरा कोसा के लिए डेवलपमेंट चाहिए। आज डेवलपमेंट हुआ नहीं, पानी की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, ये लाइट नहीं है, परेशानी है, खाली विकास के नाम पे। और हम तो बोलते हैं, हमारे लोगों को बोलते हैं कि नोटा मारो, नोटा मारने की बात कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं किसी को भी मत दो नोटा मारो, अगर जिसको आपको जिसको देना है, बोलने के बाद भी तो लोग देंगे, सेना में देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे, नहीं तो नोटा मारो। आप बोल रहे विकास का, तो कौन विकास का ढिंढोरा पीट रहा है शहर में और विकास आपके, आपके एनसीपी वाले ढंडोरा पीट रहे, मैं तो खुल्ला बोल रहा हूँ, हमारे आमदार साहब तो कितना ढंडोरा पीटा उन्होंने, इतना उन्होंने विकास दे दिया कि हर आदमी सुकून से पिछल रहे हैं। इसके पहले माहौल बना, मकान तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, रोड चौड़ा कर रहे हैं, रोड का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, हैंगिंग मार्केट कभी बोलते थे, कभी पानी का बोलते थे, कभी कब्रिस्तान यहाँ दे रहे हैं मुंबई, आज हमारे कब्रिस्तान के अंदर हमको ज़्यादा परेशानी होगी, आज ज़्यादा मैयतें आ रही हैं, मज़े की दवा तो कोसे की भी मैयतें हमारे कहने आ रही हैं। जो लोग आज मैसेज जो लोग दे रहे हैं कि खान साहब शिवसेना के हो गए, तो इसका क्या आपके पास जवाब है? मैं लोगों का हूँ, मैं ना सेना का हूँ ना किसी का। आपका मतलब फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर मतलब चर्चा था कि आप 2019 में उतरेंगे मैदान में, और ऐसा उतरता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं, आप जो है उतरने में। मैं आपको मैं आपका यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, आपको रोकूंगा, मेरा वक्त आएगा 2019 में तो मैं 101% इलेक्शन में उतरूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं? आमदार और जितेंद्र अवार्ड के सामने लड़ूंगा। मेरा एक जमाने का आप बोलो मित्र था, दोस्त था, जो कुछ था, उसके सामने लड़ूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं विधानसभा जो इलेक्शन है उसमें आप मजे लेने के लिए चुनाव लड़ेंगे? मैं क्या मजे लूंगा? आप अवार्ड के सामने जो है मजे लेने, मजे लेने के लिए हमारे साथ नहीं, 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 आप गलत कह रहे हैं, आप ट्विस्ट मत करो। हाँ। मेरे से आप उम्र में बहुत छोटे हो। हाँ। मैं मजे लेने के कोई आइसक्रीम नहीं है, ये चॉकलेट नहीं है, ये जनता के सामने जाऊंगा, जनता से जो जो वादे, और मैं मेरा एक रिकॉर्ड है, मैंने जितना महापौर टाइम पे और नगर सेवक के टाइम पे मैंने विकास किया है, अवार्ड सामने चारा ने भी नहीं किया। और आपने सुना एकनाथ शिंदे ने क्या बोला कि हमारी शिवसेना की हुकूमत है, ये सारा विकास हमने किया, अवार्ड साहब ने अपने पर्टिकुलर अपने आमदार फंड का विकास बता दें, उन्होंने गिन के बता दें तो क्या किया उन्होंने। वही नईम खान ने जिस तरह से दीवार तोड़े जाने पर आरोप लगाया है, इसके जवाब में एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान ने क्या कहा? इनके पास दीवार थी, ये जो दीवार तोड़ी गई है, तो क्या ये दीवार जो है थाने महानगर पालिका ने इसके लिए पहले नोटिस दी थी? थाने महानगर पालिका का नोटिस का सवाल ही नहीं होता है, मेन रस्ते में लोगों की मांगनी थी, पूरे बिल्डिंगों की कंप्लेंट थी मेरे पास भी और थाने महानगर पालिका के डिपार्टमेंट के पास भी, और माननीय महापौर मैडम ने भी ये बोला है कि ये रस्ते को यहाँ पे रास्ता बना के वो जो बिल्डिंग वहाँ पे जो टूटी है उनका पुनर्वसन किया जाए, जो जगह थी यहाँ पे रास्ता दिखा के वहाँ पे उनका बिल्डिंग वाले जो टूटी है उनको घर दोस्ती में दिया जाए, तो ऐसे ही करके यहाँ पे कचरे का अंबार था, यहाँ पे कचरे का लोगों ने स्पॉट बना के रखे थे, और हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा इतनी बड़ी दरगाह पे जाने आने के लिए रास्ता खूबसूरत होना चाहिए, इसी तरीके की भावना यहाँ के सभी नमाजियों की, यहाँ के रहवासियों की थी, इसीलिए मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, इस रास्ते को बड़ा करा, और हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा जाने आने के लिए, जो उरूस में जाने के लिए, जो जुमेरात में लोग आते जाते यहाँ पे परेशानी होती थी, एक गाड़ी जाती थी दूसरी नहीं जा सकती थी, यहाँ से रिवर्स जाना पड़ता था, इसको कचरे के अंबार को हटा के आज खूबसूरत आप देख लीजिए,
यहाँ पे रास्ता है और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों को पूछिए कि यहाँ उनका बोलना क्या है, वो इस मामले से खुश है कि नहीं। हाँ, बात आ रही राजकरण की, तो ये सब राजकरण है, वो राजकरण के माध्यम कहीं आप पर आरोप लग रहा है कि आपने यहाँ के स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को जमा करके और इस दीवार को जो है तोड़वाया है। अरे अभी नईम खान साहब अपना कुछ भी बोल सकते हैं बंगले पे बैठ के, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो नियम है, जो मामला थे रास्ता रोकने रास्ता बढ़ाने के लिए, उनका प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी भी वो अपना राज ही समझ रहे, पूरा शहर उनका है, ऐसा नहीं है। लोगों को काम चाहिए, हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका इज्जत करिए, ऐसा ना हो कि जो आवाम जो चाह रही है कि जमीतुल मुस्लिमीन का चुनाव होना चाहिए वो चुनाव हो जाए। जिस तरह से दीवार तोड़ी गई है उस पर नईम खान विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शानू पठान राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में चुनावी जंग अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब राजनीतिक गलियारों के खिलाड़ियों को शहर की गली में एक मुद्दे की तलाश रहेगी, इसी मुद्दे पर राजनीति कर वोट हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।